आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ओमी राष्ट्रा। प्रस्तुत है टुडे टाइम्स की टॉप 10 न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सहित 4 के खिलाफ दर्ज हुई FIR। जमीनी विवाद को लेकर वीरभद्र सिंह के भतीजे ने ही करवाई थी FIR। विक्रमादित्य ने पारिवारिक मामला दिया करार, कहा मिल बैठ कर सुलझा लेंगे मामला। फर्जीवाड़ा व नियमों की अवहेलना करने वाले 104 स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। इस संबंध में हाई कोर्ट को सौंपी SIT ने रिपोर्ट। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ था SIT का गठन। रिवालसर झील में मछलियों पर फिर मंडराया खतरा। प्रदूषण के कारण फिर रंग बदलने लगा है झील का पानी। पहले भी मर चुकी हैं हजारों मछलियां। प्रशासन मछलियों को पकड़ छोड़ सकता है गोविंद सागर में। मनाली में होटलों की मनमानी पर NGT ने अपनाया सख्त रुख। 40 और होटलों के संबंध में मांगी जिला पर्यटन अधिकारी से रिपोर्ट। 40 होटलों के संबंध में बुधवार को पेश की थी जिला पर्यटन अधिकारी ने रिपोर्ट। अवैध खनन को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। DGP SR मर्दी ने कहा कि अवैध खनन पर तत्काल दर्ज होगी FIR। कहा खनन करने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार। अवैध खनन में प्रयोग लाए जाने वाले वाहन भी होंगे जब्त। राजधानी के HRTC के टैक्सी चालक ने इंस्पेक्टर को थुना। टैक्सी में टिकटों की चेकिंग करने आया था इंस्पेक्टर। किसी भी सवारी की भी नहीं काटी थी टिकट। कचरा उठाने की फीस वसूलने को लेकर सामने आया घोटाला। जांच में पाए गए 13 सुपरवाइजर दोषी। खत्म की जा सकती है सबकी सेवाएं। नगर निगम शिमला कर रहा है सभी को नोटिस देने की तैयारी। जतों कैंट ने बढ़ाया देश में हिमाचल का सम्मान। ठोस कचरा प्रबंधन पर हासिल किया देश में पहला स्थान। कूड़ादानों में ही डाला जाता है घरों से निकाला कचरा। शिमला नगर निगम के महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की है तैयारी। कांग्रेस समर्थित पार्षद ला सकते हैं प्रस्ताव। कचरा प्रबंधन एवं पेयजल संकट को लेकर भाजपा के पार्षद है खफा। नगर निगम शिमला में हल नहीं हो पाया पेयजल संकट। स्थानीय लोगों का आरोप है कि होटलों को दिया जा रहा है भरपूर पानी। घरों की टंकियां है पांचवें दिन भी खाली।